भाई वही रहेगा सर, दो तीन महीने बचे, दो तीन महीने बाद अपने विधानसभा के चुनाव होंगे। जो जोश आपने इस बार दिखाए इसको और ज्यादा बढ़ाना है। जी वीरेंद्र सिंह जी हमारे भाई कई जगह कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले थे, चाहे कर्नाटक हो इतनी बड़ी सीट और चाहे हमारा छोटा सा नरवाना हो, हर जगह हमारे भाई ने गांव गांव में गली गली में और मैं कहूं घर घर में जाकर लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे लिए जो वोट मांगी थी हमारे भाई रणदीप सिंह सिद्धेवाला ने, हमारे छोटे भाई पूर्व सांसद जो आज भी सांसद हो सकते थे, शायद हम लोगों की कुछ कमी रह गई लेकिन भविष्य उज्जवल है, एक बार एक नींव तो हमारी तरफ लेकिन नींव रखी गई है, भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल भविष्य है छोटे भाई विजेंद्र सिंह जी। आदरणीय मंच और आदरणीय मंच से ज्यादा आदरणीय जो हमारे सामने है, मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे जोशीले नौजवान साथियों, मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मीडिया के हमारे साथीगण, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। साथियों, जब सबसे पहले नरवाना आए तो हम सबके मन में एक ही बात थी कि नरवाना है तो अपना लगाव भी है, परिवार भी है, अपनी खाप भी है, लेकिन बहुत सालों से दशकों से कमजोरी यहां पर रहती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, ये नरवाना में हम कैसे काम करेंगे। लेकिन हमने तो जो आपस में बात की वो अलग है, चाचा जी ने कमान संभाली वो अलग है, लेकिन आप सब ने जो आकर एक ही आवाज में कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इस बार तो हम नरवाना जीतने के लिए, तो साथियों आपका मैं बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि कहा एक बिल्कुल नीचे धरातल से उठाकर आपने पूरी पार्टी को सिर पर बैठाया, मुझे मेरे साथियों को भाई को आपने हमारी बात को माना और यहां तक लेकर आए, और खासतौर से मेरी बहनें जो पीछे रहकर, बहनों की का योगदान कम नहीं होता, बहनों को हम पीछे रखते हैं जलसों में भी वैसे भी, लेकिन आप समझते हो आधी आबादी है, अगर इनकी वोट नहीं मिलेगी तो भाई सारे घूमते रह जाए जो बहने अगर साथ नहीं देंगी, और यही बात यहाँ है, बहनों का ध्यान रखियो भाई साथ में, खैर आपने रखा और आज सबका प्यार आपका आशीर्वाद से मांगे, पहले दिन से ही आपने अपनी बहन को बेटी को खाप की बेटी को आपने पूरा प्यार दिया और मान सम्मान दिया, तो ये चीज साथियों ये संभाल के रखने वाली बात होती है, केवल एक चुनाव की नहीं कि अपने परिवार की बात हूँ, मैं तब भी कहती कि चुनाव मैं नहीं लड़ रही, आप सब मेरा परिवार के चुनाव लड़ रहा है, और आपने दिखाया, दुनिया को दिखाया, आपने पूरे हरियाणा को दिखाया, नरवाना के लोगों ने जो प्यार दिया है साथियों, ये प्यार हम अपने दिल में संजोकर रखेंगे, और काम की तो कोई बात नहीं, देखो आपके पास कई कई बैठे हैं, काम में कोई कमी आने नहीं देंगे, ना पहले आने दी भाई रणदीप जी ने, इनके परिवार में काम में कोई कमी नहीं, छोटी बजे चाहे जो यहां से रहे हो प्रतिनिधि या ना रहे, इन्होंने हमेशा आपको अपने परिवार की तरह रखा और हमेशा आपके काम को इन्होंने प्राथमिकता दी, और अब तो मैं भी सांसद आपने बना दी तो क्या कभी छोड़े गए, कोई कभी नहीं छोड़े, और भाई वही सही कसर दो तीन महीने बाद अपने विधानसभा के चुनाव होंगे, जो जोश आपने इस बार दिखाया इसको और ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा बढ़ाकर हम ज्यादा बढ़ाएंगे
अगले पड़ाव तक पहुंचेंगे, अगला चुनाव जीतेंगे, तभी तो उसे आगे की बात होगी और आप लोगों के काम तभी तो ढंग से पुख्ता ढंग से उसी तरह से तो काम हो गया, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इस इंटरवल समझो, अभी बस ये 2-4 दिन का 5-7 दिन का इंटरवल है, इसके बाद हम समझे फिर लग जाए, चाहे गर्मी है चाहे कुछ है, अभी भी गर्मी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी संख्या में यहाँ बनाए हैं, बधाई के पात्र हम नहीं है, बधाई के पात्र आप हैं। और आपको मैं हाथ जोड़ के, जैसे मैं पहले कहती थी कि भाई वोट मांगो तो हाथ जोड़ के मांगो, तो आज मैं हाथ जोड़ के सर झुकाकर आप लोगों का बहुत धन्यवाद। साथियों, चुनौती है, चुनौती कम नहीं है, चुनौती आगे भी। आपने लोकसभा में कोशिश की, देश के लोगों ने कोशिश की, और ये भाजपा का अहंकार आप लोगों ने तोड़ा, जिस अहंकार से ये देश पे राज करते थे आपने इनका अहंकार तोड़ा। साथियों, जब गिनती हो रही थी शुरू में 2-3 घंटे तो ऐसे लग रहा था अब इनके बड़े से बड़े नेता सरसाई करने वाले, अच्छा भाई अब ये अब क्या क्या कहूंगा, जब गिनती हो रही अपनी जीत की तरफ वापस जा रहे हैं तो सारे सब यही बात कहने लगे, अब वही आप तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सरसाई लोगों ने जिताए। तो साथियों, इनका अहंकार टूटा है और अब ये लोकतंत्र में हम सब ने आगे के लिए काम करना है। राहुल जी ने जो एक नींव रखी, राहुल जी ने जो यात्रा की, पद यात्रा की, उसके बाद असम, वहां से मणिपुर से लेके गुजरात तक, मध्य वहां अपने मुंबई तक गए, तो साथियों ये यात्रा बहुत ही कही एक माहौल उन्होंने बनाया, और उनके माहौल के साथ साथ उनका संदेश लेकर हमने भी अपनी यात्रा की और पूरे हरियाणा में हमने उनका संदेश पहुंचाया, तो एक माहौल बना था, इस माहौल को हमने खतरा नहीं होने देना। आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूत करना है, अपने देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, और जो ये राहुल जी ने बीड़ा उठाया है किसानों का, गरीबों का, दलितों का, हमारे नौजवान का, ये लड़ाई हमने आगे तक लड़नी है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसको हमने ऊपर उठाना है, नशे का इसको हमने सख्ती से बरतना है। बहुत सी बातें हैं ये आने पर कहेंगे, लेकिन आज के दिन केवल मैं आपका और मेरी खाप का और सबका, मेरे एक एक बुजुर्ग का, मेरे एक एक भाई का, मेरी एक एक बहन का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने जो इतना मान सम्मान किया इसको हम संभाल कर रखेंगे और आपकी सेवा में लगाएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।